हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस लेसन में जो टैग्स हम सीखने वाले हैं वो है पहला कोटेशन टैग, दूसरा एड्रेस टैग और तीसरा हम सीखने वाले हैं कमेंटिंग। ठीक है, कमेंटिंग टैग। कोटेशन टैग्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट कोटेशन के लिए, जो इस तरह से लिखा जाता है क्यू, फिर बीच में कुछ कंटेंट होता है और एंड होता है स्लैश क्यू से। दूसरा होता है लॉन्ग कोटेशन टैग, लॉन्ग कोटेशंस के लिए, और इसे लिखने के लिए हम लिखते हैं ब्लॉक कोट, फिर कुछ कंटेंट ठीक है। तो ये लॉन्ग कोटेशन के लिए ब्लॉक कोट टैग यूज करेंगे। अब एड्रेस के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो इस तरह से लिखा जाता है एड्रेस, फिर कुछ कंटेंट स्लैश एड्रेस। अब कमेंटिंग टैग की हम बात करें तो कमेंटिंग टैग में कुछ इस तरह से होता है कि हम इनका इस्तेमाल कुछ नोट्स वगैरह लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि पूरी फाइल में हमने कुछ कोडिंग किया हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है, और हर एक ब्लॉक ऑफ कोड को समझने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम कुछ नोट्स लिखते हैं, ताकि अगर महीने, दो महीने, साल भर बाद अगर हम सेम कोड को अगर हम पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि ये कमेंट में जो भी नोट्स लिखे गए हैं वो एक्सप्लेन करता है कि भाई इसके नीचे, ये कमेंट के नीचे लिखा हुआ कोड जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो कमेंट कोड को लिखने के लिए हम शुरुआत करेंगे लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन, फिर दो हाइफन, फिर जो भी कमेंट हम लिखना चाहते हैं वो कंटेंट, और फिर एंड करने के लिए दो हाइफन और ग्रेटर देन साइन। ये थोड़ा अलग से है। नॉर्मली कोई भी टैग हम क्लोज करते हैं तो स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश से हम क्लोज करते हैं, लेकिन कमेंट टैग कुछ इस तरह से क्लोज होता है। अब मान के चलिए कि ये मैंने नोट्स बनाए हैं कि भाई इस सेशन में हम, इस लेसन में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इसे मैं रेफर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे कमेंट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि कमेंट जहां से स्टार्ट होगी और एंड हो, जहां पर एंड होगा, इतना पार्ट जब हम फ्रंट एंड पर रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंटेड है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेब पेज में कमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं इसे सेव करता हूं और फ्रंट एंड पर रिफ्रेश करता हूं तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है, ब्लैंक, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां से ये कमेंट टैग हटा देता हूं, स्टार्टिंग कमेंट टैग, और मैं यहां पर डाल देता हूं, तो होगा क्या कि कमेंट जो है वो यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर एंड होती है, पर ये जो पॉइंट नंबर वन और इसके अंदर जो मैंने पॉइंट ए और बी लिखे हैं वो कमेंट के बाहर है। इसका ये मतलब है कि जब ये पेज रेंडर होगा तो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा लेकिन ये नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि ये कमेंट है। लेट अस सी कि फ्रंट एंड पे किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो अब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। सी, वन कोटेशन टैग, ए शॉर्ट कोटेशन ब्ला ब्ला ब्ला, बी लॉन्ग कोटेशन डैश, जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कमेंट के बाहर रख दिया है इससे। अब मैं कमेंट यहां से फिर से
हटा देता हूं और यहां पर फिर से डाल देता हूं, ताकि ये पूरा जो ब्लॉक है वो कमेंटेड हो जाएगा। अब एक्चुअली हम कोटेशन टैग पहले इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कोटेशन टैग्स किस तरह से फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करता है कंटेंट को। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक WWF की वेबसाइट से मैं एक छोटी सी टेक्स्ट कॉपी करूंगा और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं, एक पैराग्राफ टैग ओपन करता हूं और पैराग्राफ टैग के बीच में ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं इसे सेव करके फ्रंट एंड पर देखता हूं रिफ्रेश करके ब्राउजर को कि किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो ये नॉर्मल डिस्प्ले हो गया जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन ब्रेक डाल देता हूं। कंपलसरी नहीं है कि यहां पर एक लाइन ब्रेक डाली जाए कोटेशन टैग्स के लिए, बट ये डालने से ये होगा कि नेक्स्ट लाइन पर जो भी डिस्प्ले होगा तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है दिखाता है WWF गोल इज टू बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी एंड नेचर। ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को हम कोटेशन मार्क्स अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, बिल्ड पर जस्ट आफ्टर ब्रेक टैग मैं यहां पर क्यू टैग मतलब कोटेशन टैग की स्टार्ट करता हूं और जस्ट पी टैग से पहले एंडिंग पी टैग से पहले मैं कोटेशन टैग को एंड कर देता हूं। ओके, अब मैं इसे सेव करके मैं ये रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर। तो दोस्तों यहां पर देखा आपने कि पहले जो डिस्प्ले था और अब के डिस्प्ले में ये अंतर है कि कोटेशन टैग्स क्यू लिखने से जो भी कंटेंट हमने कोटेशन टैग्स के बीच में लिखा है उसके आगे पीछे कोटेशन मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स। अब ये हो गया शॉर्ट कोटेशन मार्क्स। अब सेम टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूं और इस पर हम अप्लाई करेंगे ब्लॉक कोट मींस लॉन्ग कोटेशन। तो मैं ये क्यू टैग हटा देता हूं और लिखता हूं ब्लॉक कोट, और यहां से भी मैं क्लोजिंग क्यू टैग के बदले ब्लॉक कोट, ठीक है, सेव करके ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूं। तो अब ये देखिए दोस्तों कि शॉर्ट कोटेशन टैग क्यू टैग यूज करने से आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होता है और लॉन्ग कोटेशन टैग ब्लॉक कोट यूज करने से ये किस तरह से डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग की शुरुआत हम करेंगे एड्रेस और स्लैश एड्रेस से हम क्लोज करेंगे। अब इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो एड्रेस के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं 101.5.0.2.5, लॉरम इप्सम लेन, फिर ब्रेक टैग क्योंकि मुझे उसके बाद वाला जो है वो नीचे उसके नीचे नेक्स्ट रो में डिस्प्ले करना है, ए बी सी क्रॉस रोड्स कॉमा, अगर हम यहां पे कॉमा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, फिर से ब्रेक टैग्स और लॉरम सिटी जिसका जिप कोड है 12345 और जिसका स्टेट है इप्सन फॉर एग्जाम्पल।
ये हमने एक एड्रेस लिखा है। ओके, मैं इसे सेव करता हूं अपने ब्राउजर में जाके, ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए दोस्तों कि एड्रेस टैग में लिखने से ये जो डिस्प्ले है वो इस तरह से डिस्प्ले होता है, 15025 लॉरेम इप्सन लेन। फिर यहां पे हमने ब्रेक टैग दिया था क्योंकि हमें एबीसी क्रॉस रोड्स को नेक्स्ट रो पर डिस्प्ले करवाना है। क्रॉस रोड्स के बाद यहां पर फिर से हमने एक ब्रेक टैग दिया था ताकि लॉरेम सिटी वन और जिप कोड और स्टेट हम नेक्स्ट रो पर डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ब्रेक टैग हटा देता हूं तो देखिए क्या होता है, ये जो एबीसी क्रॉस रोड्स है वो फ्रंट लॉरेम इप्सन लेन के साइड में लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर मैंने ब्रेक टैग हटा दिया था। ये ब्रेक टैग मैं वापस डाल दूंगा और सेव, नाउ रिफ्रेश। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया एड्रेस टैग। अगर मैं एड्रेस टैग को हटा दूं यहां से, अगर मान लीजिए एड्रेस टैग को हटाना है तो हम कमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां से डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा। अगर मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं इसे, ठीक है, और क्लोजिंग टैग को भी मैं कमेंट कर देता हूं, तो वो क्या करेगा कि HTML फ्रंट एंड पर रेंडर करने वक्त ये एड्रेस टैग को रीड नहीं करेगा क्योंकि हमने कमेंट कर दिया है। अब ये जो टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे वो डिस्प्ले होगी। लेट अस सी वो किस तरह से डिस्प्ले होती है। तो इस तरह से हम एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके एड्रेस को बाकी नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट से टोटली अलग हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। ओके, अब दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम बोल्ड कर सकते हैं कुछ कंटेंट को, तो तब हमने क्या किया था कि बॉडी को यहां पर हमने बैकग्राउंड और कलर दिया था, बैकग्राउंड कलर और स्टाइलाइज किया था फॉन्ट कलर सेट करने के लिए। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, कंपनी का नाम ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी लिमिटेड। मुझे ये चाहिए कि एबीसी कंपनी को बोल्ड डिस्प्ले करना है, तो या तो मैं बी टैग यूज करूं या फिर स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूं। ओके, सेव, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यस स्पेलिंग मिस्टेक, STRONG। तो देखिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स करने होने की वजह से टैग को करेक्टली रीड नहीं किया जिसकी वजह से डिस्प्ले गलत दिखाया। अब हम रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए एबीसी कंपनी लिमिटेड ये एड्रेस आ गया। यहां पर फिर भी हमने एक ब्रेक टैग डालना भूल गए, तो ये ब्रेक टैग डालने से एड्रेस नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एबीसी कंपनी लिमिटेड, ये एड्रेस हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग टैग का इस्तेमाल करके एड्रेस को फॉर्मेटिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी, ये मुझे कंपनी का नाम कलर फुल चाहिए, रेड कलर में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तो स्ट्रॉन्ग स्टाइल इक्वल्स कलर कोलन रेड। ठीक है, अब मैं सेव करता हूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। तो आपने देखा कि ये कलर जो है फॉन्ट का वो रेड हो गया और बाकी का जो भी डिफॉल्ट कलर है वही रह गया, एड्रेस का कलर सेम। तो इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट को भी आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
इस वीडियो में हमने तीन टैग्स सीखे। पहला कोटेशन टैग। कोटेशन टैग्स जिसमें कि दो तरह के कोटेशन टैग्स होते हैं, शॉर्ट कोटेशन टैग जो कि क्यू टैग का हम यूज करते हैं, और लॉन्ग कोटेशन टैग के लिए हम ब्लॉक कोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एड्रेस टैग का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और एड्रेस टैग में भी हमने देखा कि हम फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, तो किसी भी तरह से हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने कमेंटिंग देखा, ये कमेंट्स हम किस तरह से यूज करते हैं और इसका हमें किस तरह से एडिशनल बेनिफिट होता है कि फ्यूचर रेफरेंस में अगर कोई किसी कोड को समझने में या रेफर करने में। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर तेजस।